भारत में जब भी इलेक्शन होता है तो ईवीएम मशीनों को लेकर काफी बहस छिड़ जाती है। ऐसे में अब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई ईवीएम मशीन लाने की तैयारी कर रही है। तो सवाल है कि क्या इन ईवीएम मशीनों के आने के बाद अब इलेक्शन में ईवीएम के साथ हुए छेड़छाड़ की शिकायतें नहीं आएंगी, या इलेक्शन कमीशन नई ईवीएम मशीनों के जरिए कोई और नई प्लानिंग कर रही है। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नई ईवीएम मशीन लेकर आ रही है उसका नाम है आरईवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन। ये मशीनें ईवीएम की तरह ही होंगी, बस इसमें कुछ जरूरी परिवर्तन किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं और ये मशीन ऐसे मतदाताओं को वोट डालने में मददगार होगी जो चुनाव के मौकों पर वोट डालने अपने गाँव, कस्बे या शहर नहीं जा पाते। अब नई वोटिंग मशीन से जुड़े कुछ सवाल हैं जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे कैसी होगी नई वोटिंग मशीन, इससे चुनाव आसानी से कैसे कराया जा सकता है और इसके आने के बाद भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। इन मशीनों के जरिए पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब अगर आप तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ये प्रक्रिया देश में कब लागू होगी, पर इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। यानी इलेक्शन कमीशन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी चाहता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें। लेकिन इसके लिए आयोग को पब्लिक रिजर्वेशन एक्ट 1950 और 1951, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और द रजिस्ट्रेशन इलेक्टोरल रूल्स 1960 में कुछ बदलाव करने होंगे और इस बदलाव में प्रवासी मतदाता को अलग से डिफाइन किया जाएगा। इसमें वही लोग शामिल होंगे जो अपने मूल क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने के लिए ही देश के किसी अन्य हिस्से में रहते हुए वोट डालना चाहते हैं। और जब ये व्यवस्था लागू की जाएगी तो ऐसे मतदाताओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और इन मतदान केंद्रों को रिमोट पोलिंग स्टेशन कहा जाएगा। अब सवाल है कि इससे फायदा किसे होगा। तो आयोग के पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक दिल्ली, मुंबई जैसे अनेक बड़े शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन उनका वोटर कार्ड उनके गांव या उनके कस्बे का ही है। चुनाव के समय काम की व्यस्तता में बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव नहीं जा पाते और इस मशीन को दिल्ली की झुग्गियों में पिछले महीने टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में हजारों से अधिक प्रवासी मतदाताओं ने हिस्सा लिया और ये टेस्ट कामयाब रहा। अब आपको ये भी बता दें कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं। इसमें मुख्य तौर पर फ्रांस, पनामा, आर्मेनिया, एस्टोनिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं अब भारत में भी इसे इस्तेमाल में लाने की बात करें तो अगर सब कुछ ठीक रहा और सब कुछ प्लानिंग के अनुसार रहा तो हो सकता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नया बदलाव हमें देखने को मिले, जहां वोटर आरईवीएम की मदद से देश में कहीं भी रहते हुए अपने मूल क्षेत्र के प्रतिनिधि को वोट डाल सकेंगे।